मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फाइव का मॉरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर फोर को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फाइव, द प्रिंस ऑफ मंकीज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रूअल मंकी किंग हु रूल्ड इन द हिमालयाज। एक क्रूअल मंकी किंग जो था वो हिमालयाज में रूल करता था। ऑल द मंकीज इन हिज बैंड वर हिज ओन वाइव्स एंड चिल्ड्रन। जितने भी उनके बैंड में जितने भी मंकीज थे, जितने बंदर थे, उनकी खुद के मीन्स वाइव्स और उनके बच्चे भी थे। ही वॉज अफ्रेड दैट वन ऑफ हिज सन्स माइट ग्रो अप एंड टेक ओवर एज अ किंग। तो वो जो राजा था वो बहुत ही डरता था कि उसमें से कोई किसी का भी अगर बेटा बड़ा हो गया तो वो उसकी राजगद्दी मीन्स छीन लेगा। सो इट वॉज हिज पॉलिसी टू बाइट ईच सन जस्ट आफ्टर ही वॉज बॉर्न। दिस अल्टर्ड हिम सो ही वुड बी टू वीक टू एवर चैलेंज हिज फादर। जिसमें क्या होता था कि वो डरता था कि कोई उससे उसकी गद्दी ना छीन ले। तो उसकी एक पॉलिसी थी कि जैसे ही उस मीन्स बच्चा जैसे ही जन्म लिया वो उसे मार देता था। दिस अल्टर्ड हिम सो ही वुड बी टू वीक टू एवर चैलेंज हिज फादर, ताकि वो अपने पिता को कभी भी चैलेंज ना कर सके और वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाए। सर्टेन वाइफ ऑफ द मंकी किंग वॉज प्रेगनेंट। तो एक मंकी की जो वाइफ होती है वो मीन्स प्रेग्नेंट होती है। जस्ट इन केस द अनबॉर्न वन वॉज अ सन, तो जैसे ही वो अनबॉर्न जो सन था वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को मीन्स बचा सके उस क्रूअल पॉलिसी से, मीन्स क्रूअल पॉलिसी ऑफ हर हस्बैंड। सो शी रैन अवे टू द फॉरेस्ट एट द फुट ऑफ अ डिस्टेंट माउंटेन। वो क्या करती है, वो भाग जाती है वहाँ से। देयर शी सून गेव बर्थ टू अ ब्राइट लिटिल बेबी बॉय मंकी। फिर वो क्या करती है, बहुत ही जल्द एक बेबी बॉय मंकी को मीन जन्म देती है। फिर आगे क्या होता है, बिफोर लॉन्ग हिज बेबी ग्रू अप टू अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग। फिर कुछ लंबे समय के बाद जो उसका बेबी होता है वो बड़ा हो जाता है, बिग और स्ट्रॉन्ग, बड़ा और मजबूत बन जाता है। वन डे ही आस्क्ड हिज मदर वेयर इज़ माई फादर। तो एक दिन अपनी वो माँ से पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। शी टोल्ड हिम, तो वो उसको बताती है, ही इज़ अ किंग ऑफ अ बैंड ऑफ मंकीज लिविंग एट द फूड ऑफ ए फार ऑफ माउंटेन। कि वो उसके पिता एक मंकियों के बैंड के राजा हैं, झुंड के राजा हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं, बहुत इस पहाड़ से बहुत ही दूर। दैट मेक्स यू अ प्रिंस, द प्रिंस ऑफ मंकी सेड काइंडली टेक मी टू माई फादर। तो जो मंकी होता है वो बोलता है कि मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। हिज मदर सेड नो माई सन आई एम अफ्रेड दैट टू डू सो, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इससे बहुत डरती हूँ। योर फादर बाइट्स ऑल हिज सन इन ऑर्डर टू वीकन देम फॉर लाइफ। वो फिर वो उसको बताती है कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो सारे बेटों को काट देते थे ताकि वो कमज़ोर हो जाए आजीवन भर। ही इज़ अफ्रेड दैट वन ऑफ हिज सन विल रिप्लेस हिम एज अ किंग, क्योंकि वो डरते थे कि उसका कोई बेटा एज अ किंग उसे रिप्लेस ना कर दे, हटा ना दे। द प्रिंस सेड डोंट बी अफ्रेड फॉर मी मदर, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो जो प्रिंस होता है वो उसको बोलता है कि आप मत डरिए, मैं खुद को देख सकता हूँ। दिस गेव हर कॉन्फिडेंस, तो उसके पास एक आत्मविश्वास जागता है। सो शी एग्रीड एंड टुक हिम टू हिज फादर, तो वो मान जाती है और फिर वो उसको उसके पिता के पास ले जाती है। When the cruel old king saw his strong young son, he thought, I have no doubt that when this son of mine grows stronger, he will steal my kingdom from me. तो जो cruel old king होता है वो उसको देख, जब इतना strong young son देखता है तो वो सोचता है कि ये मेरी गद्दी को मीन्स मुझसे छीन लेगा, मेरा राज्य मुझसे छीन लेगा। Therefore, I must kill him while I still can. तो वो सोचता है कि मुझे इसे मारना है, किसी भी तरह इसको मारना है। आई विल हग हिम प्रिटेंडिंग इट आउट ऑफ लव फॉर हिम बट रियली आई विल स्क्वीज हिम टू डेथ। तो वो सोचता है कि मैं इसे हग करूँगा और ये दिखाऊँगा कि मैं अपना प्यार जता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये होगी कि मैं उसे
मारना चाहता हूँ, मैं उसे मारूंगा। द किंग वेलकम्ड हिज सन सेइंग, तो जो राजा होता है वो उसको देखकर वो उसका स्वागत करता है और बोलता है आह माई लॉन्ग लॉस्ट सन, मेरा इतने दिन से खोया हुआ बेटा। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, तुम इतने दिन तक कहाँ थे। आई हैव मिस्ड यू डियरली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देन ही टुक हिम इन हिज आर्म्स एंड हग्ड हिम, फिर वो क्या करता है अपने आर्म्स में लेता और उसे गले लगाता है। ही कैप्ट स्क्वीजिंग हार्डर एंड हार्डर, ट्राइंग टू स्क्वीज द लाइफ आउट, फिर वो क्या करता है उसे बहुत तेज तेज से उसको दबाता है, मीन्स स्क्वीज करता है जितना उससे हो सकता है। बट द प्रिंस ऑफ मंकीज वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट, लेकिन वो जो मंकी था प्रिंस मंकी वो बहुत ही मजबूत था। ही हग्ड हिज फादर राइट बैक, तो वो अपने पिता को तुरंत गले लगा लेता है। ही स्क्वीज हिम टाइटर एंड टाइटर, तो वो खुद अपने पिता को एकदम तेज से प्रेस करने लगता है। अंटिल ही कुड फील द ओल्ड किंग्स राइट बोन्स स्टार्टिंग टू क्रैक, जब तक कि उस बूढ़े किंग की जो हड्डी होती है रिब बोन्स वो टूट ना जाए। आफ्टर दिस टेरेबल ग्रीटिंग, तो इतना डरावना ग्रीटिंग के बाद मिलने के बाद जो मंकी किंग होता है वो बहुत ही डर जाता है। मोर टेरिफाइड दैट वन डे हिज सन वुड किल हिम, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सोचता है कि एक दिन उसका बेटा उसे मार देगा। ही थॉट नियर बाई देयर इज अ पॉन्ड पोजेस्ड बाई अ वाटर डेमन, इट वुड बी इजी टू गेट हिम टू ईट माई सन, देन माई प्रॉब्लम्स वुड बी ओवर। तो वो सोचता है कि यहाँ पे एक तालाब है जो शैतान से मीन्स पोजेस्ड है, वहाँ पे शैतानी शक्ति है, तो वो वहाँ पे इजी होगा कि वो शैतान मेरे बेटे को खा जाएगा और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। द मंकी किंग सेड, तो जो मंकी किंग होता है वो बोलता है ओ माय डियर सन, नाउ इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू कम होम, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा समय है घर आने का। फॉर आई एम ओल्ड एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर माई बैंड ऑफ मंकीज, मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ये जो बैंड ऑफ मंकी मीन जी पूरा जो मंकी का जो राज्य है मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बट आई नीड फ्लावर्स फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी, लेकिन मुझे कुछ फूलों की ज़रूरत है कोरोनेशन सेरेमनी के लिए। गो टू द नियर बाई पॉन्ड एंड ब्रिंग बैक टू काइंड्स ऑफ वाइट वाटर लिलीज, थ्री काइंड्स ऑफ ब्लू वाटर लिलीज एंड फाइव टाइप्स ऑफ लोटस। तो मंकी किंग क्या बोलता है कि तुम उस तालाब के पास जाओ, मुझे दो तरह के वाइट वाटर लिलीज, तीन तरह के ब्लू वाटर लिलीज और पांच तरह के लोटस चाहिए। द प्रिंस ऑफ मंकी सेड यस माई फादर आई विल गो एंड गेट देम, तो जो प्रिंस मंकी होता है वो बोलता है कि हाँ पिताजी मैं जाऊँगा और लेकर आऊँगा। When he arrived at the pond, he saw that there was many kind of water lilies. जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचता है तो वो देखता है बहुत तरह तरह के water lilies होते हैं और वहाँ पर बहुत तरह तरह के lotus भी होते हैं। But instead of jumping right in and picking them, he investigated carefully. लेकिन वो इतना तेज़ होता है कि उस पॉन्ड में कूदने से पहले या फिर फ्लावर को तोड़ने से पहले वो पूरा अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करता है, पूरा देखता है कि कैसा है। ही वॉकड स्लोली अलॉन्ग द बैंक, वो धीरे धीरे उस जो पॉन्ड है उस तालाब के किनारे जाता है। ही नोटिस्ड देयर वर फुटप्रिंट्स गोइंग इन टू द पॉन्ड बट नन कमिंग आउट, तो वो देखता है कि यहाँ पर कुछ पैरों के चलने के निशान हैं तालाब की तरफ लेकिन बाहर आने के निशान नहीं हैं। आफ्टर कंसिडरिंग ही रियलाइज दिस आर श्योर अ साइन दैट अ पॉन्ड वॉज पोजेस्ड बाई अ वाटर डेमोन, तो वो उसको समझ में आ जाता है कि ये एक साइन है कि ये तालाब क्या है वाटर डेमोन से पोजेस्ड, मीन्स यहाँ पे पानी का जो शैतान है वो इस है तालाब में है। He also realized that his father must have sent him there to be killed. उसको ये भी समझ में आ जाता है कि जो उसका पिता है वो जानबूझ के इसे यहाँ पे भेजा है उसे मारने के लिए। He investigated further until he found a narrow part of the pond. वो फिर से देखता कि कोई narrow part है pond का। There with great effort he was able to jump from one side clear across to the other, ताकि वो एक तरफ से कूद करके दूसरी तरफ से आ सके। In the midst of his leaf he reached down and picked flower, फिर वो क्या करता है एक छोटे में थोड़ा सा जो बचा हुआ जगह होता है वहाँ पे से जाता है और फ्लावर्स तोड़ के आता है विदाउट एक्चुअली गेटिंग इन टू द वाटर, बिना पानी में गए। देन ही जम्प्ड बैक अगेन पिकिंग मोर फ्लावर्स, और वो और ढेर सारे फूल को तोड़ लेता है। ही कंटिन्यूड जंपिंग बैक एंड फोर कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ फ्लावर,
तो वो 1, 2, 3 से 4 बार वो जंप करता है और फिर वो फ्लावर्स को तोड़ लेता है बहुत सारे सडनली। एंड वाटर डेमन स्टक हिज हेड अप अबव द वाटर। तो जो सडनली अचानक से क्या होता है, जो वाटर डेमन जो होता है उसका सर पकड़ लेता है। ही एक्सक्लेम्ड इन ऑल द टाइम आई हैव लिव्ड हियर आई हैव नेवर सीन एनी वन मैन और बीस्ट एज वाइज एज दिस मंकी। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ इतने दिन से रह रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा कभी भी इंसान नहीं देखा एज मंकी की तरह। ही हैज़ पिक्ड ऑल द फ्लावर ही वॉन्टेड विदाउट एवर कमिंग विद इन द ग्रास्प ऑफ माई पावर। इसने सारे फूलों को तोड़ लिया लेकिन मेरे पावर से बच करके। हेयर इन माई किंगडम ऑफ वाटर। देन द फेरोसियस डेमन मेड अ पाथ फॉर हिमसेल्फ थ्रू द वाटर एंड केम अप ऑन टू द बैंक। तो डेमन क्या करता है, अपने लिए खुद से एक रास्ता बनाता है। वो पानी से बाहर आता है और बोलता है, माई लॉर्ड किंग ऑफ मंकीज, देयर आर 3 क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन अनबीटेबल बाई हिज एनिमीज। बोलता है कि यहाँ पे 3 क्वालिटीज होती है एक इंसान की कि वो अपने दुश्मनों से जीत जाता है। इट अपीयर्स दैट यू हैव ऑल द थ्री। ये तुम्हारे पास है, ये तीनों तुम्हारे पास है, स्किल, करेज एंड विजडम। यू मस्ट बी ट्रूली इनविजिबल इनविंसिबल। तुम क्या हो, इनविंसिबल हो, बहुत ही बहादुर हो। टेल मी माइटी वन, व्हाई हैव यू कलेक्टेड ऑल दोज फ्लावर। तो वो डेमन पूछता है, तुमने ये सारे फ्लावर्स क्यों कलेक्ट किए हैं। द प्रिंस ऑफ मंकी रिप्लाइड। तो जो प्रिंस ऑफ मंकी होता है वो उसे रिप्लाई मीन्स बताता है, माई फादर वॉन्ट्स टू मेक मी किंग इन हिज प्लेस। कि मेरे पिताजी अपने जगह पे मुझे राजा बनाना चाहते हैं। ही सेंट मी टू गैदर दिस फ्लावर फॉर कोरोनेशन सेरेमनी। वो मुझे ये फूल लाने के लिए बोलते हैं। द वाटर डेमन सेड, यू आर टू नोबल टू बी बर्डन बाई कैरिंग दिस फ्लावर। तुम ये फ्लावर लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। लेट मी कैरी देम फॉर यू, मुझे लाने दो। ही पिक्ड ऑल द फ्लावर्स एंड फॉलोड हिम। सारे फ्लावर्स वो वाटर डेमन तोड़ के लाता है। फ्रॉम द डिस्टेंस मंकी किंग सॉ द वाटर डेमन कैरिंग द फ्लावर एंड फॉलोइंग द प्रिंस। तो प्रिंस के साथ ही आता है सारे फूलों को लेकर के। ही थॉट आई सेंट हिम टू गेट फ्लावर्स थिंकिंग ही वुड ईटन बाय द डेमन। बट इंस्टीड वो सोचता है कि ये मुझे मार देगा, लेकिन ही हैज़ मेड द वाटर डेमन हिज सर्वेंट। आई एम लॉस्ट। तो वाटर डेमन को क्या करता है, अपना वो सर्वेंट बना लेता है। द मंकी किंग वॉज अफ्रेड दैट ऑल हिज अनहोलसम डीड हैड कॉट अप विथ हिम। ही वेंट इन टू अ सडन पैनिक में आ जाता है, विच कॉज इज हर्ट टू ब्रेक इन टू 7 पीसेज। तो वो क्या होता है, उसका जो हर्ट होता है 7 पीसेज में मीन्स टूट जाता है। ऑफकोर्स ही इज किल्ड ऑन द स्पॉट। उसी समय उसकी क्या होती है, मौत हो जाती है। द मंकी बैंड वोटेड टू मेक द स्ट्रॉन्ग यंग प्रिंस द न्यू किंग। क्या होता है, तो फिर जो मंकी जो बैंड होते हैं, जो मंकी के सारे बैंड होते हैं, वो सारे प्रिंस न्यू मंकी को वोट करते हैं और नया नया राजा बना देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक है।